साथ प्रतीक शर्मा। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैस चोरी का मामला सामने आया, जहां चोरी कोई और नहीं सुप्रीम इंडियन गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि उपभोक्ताओं की गैस चोरी जब घरों में सिलेंडर लगाने जाते हैं उसी दौरान बीच रास्ते में ही गैस सिलेंडर से लगभग 2 से 2.5 किलो गैस निकाल लेते हैं। वहीं जब डिलीवरी बॉय गुड़म्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ता को गैस सिलेंडर डिलीवरी करने पहुंचा तो उपभोक्ता ने गैस सिलेंडर तोल दिया, जिसमें लगभग 2 किलोग्राम से अधिक गैस कम थी। लेकिन सोचने वाली बात यह कि सुप्रीम इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर तक कोई इस बात की भनक नहीं। उपभोक्ताओं के साथ इस तरह का काम किया जा रहा है और सोचने वाली बात है कि इंडियन गैस एरिया मैनेजर को भी कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई भी इंडियन गैस सिलेंडर व उपभोक्ताओं के साथ खेल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इंडियन गैस के उच्चाधिकारी इस मामले पर क्या कार्यवाही करते हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अरशद की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है भाई साहब? कमलेश। अच्छा कमलेश जी, आप किस एजेंसी में हैं? अच्छा कमलेश जी, एक बात जानना चाहूँगा, ये आप घर घर डिलीवरी करते हैं जी। अगर उपभोक्ता कहता है इसको चेक कराने के लिए तो आप चेक भी कराते हैं? अच्छा कमलेश जी, इसमें कुछ फॉल्ट है क्या? कमलेश जी कम है क्या जी? ठीक है, जाइए कमलेश जी। क्या बात है भैया, नाम क्या है? हमारी उनसे मुलाकात हमेशा होती रहती है। ये सब क्या कर रहे हैं? राजधानी लखनऊ के बक्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत बक्शी का तालाब के वार्ड नंबर 10 कोटवा में सभासद द्वारा ना तो सैनिटाइजर कराया गया और ना ही किसी प्रकार की समस्याओं का गरीबों को लाभ मिल रहा है। वहीं गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटा है, कोटे पर 3 से 4 दिन बाद मिलता है राशन, इसीलिए गरीब है परेशान। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए प्रशांत अवस्थी की रिपोर्ट। जो आपके ग्राम साहब कोटा है, नगर पंचायत कोटा है आपका, कहाँ पर है? सायपुर तकिया में। यहाँ से कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। तो क्या कोटे के द्वारा, कोटेदार के द्वारा आपको पूरा राशन मुहैया कराया जा रहा? मुहैया नहीं कराया जा रहा, हम जो सोचते हमारे गाँव आ जाए। आप सोच रहे आपके गाँव, जो आपके कोटेदार जी हैं, क्या आपको राशन दिन के दिन दे, जिस दिन जाते हैं क्या उस दिन मिल जाता है? मैं उस दिन पर्ची बनावते हैं। हाँ, पर्ची सिर्फ जौने दिन डेट देते हैं, उस दिन ले जा पड़ते हैं जी। और भी ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है पता आपका? लक्ष्मी नारायण जी। आपके सभा के जो ग्राम सभा का कोटा है तो वो कहाँ पर है? सायपुर तकिया। सायपुर तकिया में। यहाँ से कितनी दूर की दूरी पर है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर कोटेदार द्वारा अभी तक राशन आपको पूरा मुहैया हो रहा कि नहीं हो रहा? राशन जब जाते हैं तब बीज खुद मिल जाता है। बीज खुद मिल जाता है। जो आप प्रधानमंत्री जी के आदेश थे कि गरीबों को मुफ्त राशन मिले, क्या आपको राशन मुफ्त मिल रहा? हाँ, एक बार मिला हुआ। एक बार मिला। आप 2 महीने हो चुके हैं, तो आपको 2 महीने में राशन एक ही बार मिला है? एक बार गए थे कोटेदार के पास, दोबारा हम गिरने के मिला नहीं, सर गए नहीं। अच्छा, और भी ग्रामीण है, उनसे जानते हैं। मैं वाला पिता का क्या नाम है आपका? ठीक है सर। जो आप सभा के ग्राम सभा के कोटेदार हैं, उन्होंने आपको राशन का पूरा मिलता है? नहीं, पूरा नहीं दिया जाता, टाइम पर देते हैं ना, जब भी जाओ मिलते हैं, नहीं जल्दी से आ जाओ, कल वही डाला बताते रहते हैं। तो देखिए, 1 तारीख 5 तारीख से बटने का समय है, या आपको 5 तारीख के बाद राशन मिलता है? कितनी तारीख आपको राशन मिलता है? 5 तारीख के बाद। 5 तारीख के बाद मिलता है। कितनी तारीख का राशन मिलता है आपको? ये उनको कोई पक्का नहीं रहता है, वो पता चले बताया कि यार जिस टाइम जाओ मिलते हैं, नहीं मिलते भी तो आ जाओ कल, उसमें डाला 2-3-4 दिन लग जाता आते जाते। देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के आदेशों को लगाया जा रहा पतीला। मैं पत्रकार प्रशांत अवस्थी, कैमरामैन दिवाकर सिंह के साथ इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए कोटवा बक्शी का तालाब। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।